आज सबसे बड़े दुख का कारण जानती हो मैया क्या है? आजकल बड़ों का सम्मान बच्चे नहीं करते, यही दुख का सबसे बड़ा कारण है। बड़ों की रिस्पेक्ट खत्म हो गई है, आदर खत्म हो गया। आजकल छोटे लोग बड़ों की अवहेलना करते, अपमान कर देते। कभी हमें अपमान नहीं करना अपने से बड़ों का। बड़े हमसे कोई बात कह रहे हैं, हमें पसंद नहीं आए तो हम चुपचाप सुन लें, भले आपको पसंद नहीं आई उनकी राय, मत उसे एक्सेप्ट करो, पर फिर भी कोई उत्तर ना दो कि तुम कुछ भी कह दो उनको। जो बड़ों का आदर करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, उनके जीवन में कभी अशांति नहीं होती। सबका सम्मान करो। अच्छा, मैं सबका अपमान करूं तो मैं बड़ा कहलाऊंगा, या मैं सबका सम्मान करूं तो बड़ा कहलाऊंगा? मैं बड़ा कैसे कहलाऊंगा, सबका अपमान करने से या सबका सम्मान करने से? बोलो, सबका सम्मान करने से ही तो मैं बड़ा कहलाऊंगा। इसलिए मुझे सबका सम्मान करना है, ना कि सबका अपमान। सबका सम्मान कीजिए। सम्मान देने से सम्मान बढ़ता है। हमें अपमान नहीं करना अपने से बड़ों का। हमने जितनी पीएचडी की है ना, हमने पढ़कर पीएचडी की है, हमारे बुजुर्गों के अनुभव सबसे बड़ी पीएचडी है। उनका जो तजुर्बा है, अनुभव है, हमसे कहीं ज्यादा, क्योंकि हम पढ़े हैं, उन्होंने जिंदगी को रियल देखा है, जिया है, उनके अपने जीवन के अनुभव होते हैं। तो वो एक होता है पढ़ना, एक होता है रियल में अनुभव करना। क्या सही है, पढ़ना सही है या जीवन का अनुभव सही है? चलो मैं एक तीन लोगों की कहानी सुना ही देता हूं। तीन पंडित थे, काशी पढ़ने गए, बाप ने भेजा काशी पढ़ने जाओ। तीनों काशी पढ़ के घर लौट रहे थे। जंगल में वो रुके, तभी वहां पर जंगल में एक शेर की हड्डी ढांचा, मरा हुआ शेर, मर गया होगा, मांस खत्म हो गया, अब हड्डी बची, ढांचा। तो तीनों विद्यार्थी पंडित, उनमें से एक बोला कि मैंने जो विद्या सीखी है उससे मैं इसके शरीर में मांस भर सकता हूं। दूसरा बोला मैं इसके शरीर में रक्त भर सकता हूं, मेरी विद्या है रक्त और नस इत्यादि। तीसरा बोला कि मैं इसे जीवित कर सकता हूं, ये मेरी विद्या है। तो एक ने उसे मांस दे दिया, विद्या से मांस डाल दिया, दूसरे ने नस इत्यादि रक्त का संचार कर दिया। शांत था भी सब कुछ, क्योंकि प्राण नहीं थे, प्राण के बिना सब रक्त भी किस काम का। तीसरा बोला मैं प्राण फूंक रहा हूं, तभी वहां से एक बुजुर्ग आदमी आए, भैया इसे जिंदा ना करो। उन लोगों ने अपमान, ए बुढ़े क्यों कहता है जिंदा ना करो? बूढ़े ने कहा भैया मैं तुम्हारी तरह पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, बिल्कुल अंगूठा छाप हूं, पर मैं ये जानता हूं कि ये जिंदा होगा तो खा जाएगा। उसने कहा नहीं, तुम जानते नहीं हम कितने बड़े विद्वान हैं, अभी काशी से पढ़ के आए, हमारे जैसा धुरंधर कोई नहीं है, तुम क्या जानो, तुम तो अनपढ़ के अनपढ़ रहे, अंगूठा छाप और हमें कह रहे हो कि तुम जिंदा ना करो, करेंगे। तो बूढ़े ने कहा फिर एक काम करो, 5 मिनट रुक जाओ। काहे के लिए? बोले हम पेड़ पे चढ़ जाएं, फिर तुम कर लियो। अब बूढ़ा आदमी चढ़ गया पेड़ पे ऊपर, हाँ भैया अब तुम नहीं मान रहे तो करो। तीनों ने अपना अपना काम किया, आखिरी वाले पंडित ने काम किया,
मंत्र मारा, प्राण आ गए, शेर जिंदा हुआ। इतने दिन से सोया था, भूख लगी थी, देखा तीन लोग हैं, पहले तो तीनों को कस के दबोचा, मारा, तीनों को मारा और इकट्ठा बैठ के बाद में खाया। तीनों ज्ञानी मर गए, मूर्ख चढ़ा है पेड़ पर। इतनी विद्या पढ़ के भी क्या मिला जब तुम्हें उस विद्या का कोई प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं था? क्यों? हमारी सारी विद्या बेकार है यदि हमें उस विद्या का कोई प्रैक्टिकली ज्ञान नहीं है तो। हाँ या ना? इसलिए हमारे जो माता पिता होते हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो हमारी विद्या से ज्यादा विद्वान इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने जिंदगी को प्रैक्टिकली जी लिया है, प्रैक्टिकली जिए हैं। हाँ, प्रैक्टिकली वो जीवन को जीते हैं। प्रैक्टिकली जीवन जरूरी है। इसलिए आप जितना पढ़िए, जब पढ़िए, जैसा पढ़िए, प्रैक्टिकली पढ़िए। बिना प्रैक्टिकली के जीवन बेकार है। इसलिए अब आपसे मेरा सवाल, उन ज्ञानियों से मूर्ख अच्छा था कि ज्ञानी ही अच्छे थे? आप बताओ, बोलो कौन अच्छा था? वो मूर्ख अच्छा था? वो मूर्ख क्यों अच्छा था? क्योंकि उसे जीवन का अनुभव था कि भैया शेर तो खा ही जाएगा, और ये पंडित अभी स्कूल से पहली बार निकले हैं पढ़ लिख के, इनने तो कभी रियल में शेर देखा नहीं था, रियल में शेर शिकार कैसे करता, केवल पढ़ा था, विद्याएं कागज में पढ़ी थी बस, रियल प्रैक्टिकली नहीं था। इसलिए हम आपसे कहते हैं जीवन में हर चीज का प्रैक्टिकल जरूरी है। जो हम लोग पढ़ते हैं, आज के नौजवान जो पढ़ते हैं, वो आप पढ़ लेते हैं, पर जब वो चीजें आप जीते हैं, रियल जिंदगी शुरू करते हैं, तब आपकी पढ़ाई का कुछ भी अंश आपके रियल जिंदगी में काम नहीं आता। वो पढ़ाई अलग ही होती है जो जीवन जीने के काम आती है। क्यों जी? हमने जो अल्फाबेट पढ़े हैं, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है, हमारे पति पत्नी के रिश्तों में, बेटा और बाप के रिश्तों में पाइथागोरस प्रमेय का कहां प्रयोग है मुझे बता दो, कहां प्रयोग है? बाप बेटे के रिश्ते निभाने के लिए, माँ बेटे का रिश्ता निभाने में कोई पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग है? कहो। फिर जो पढ़ाई तुमने पहली क्लास से लेकर पीएचडी तक पढ़ी है, वो पढ़ाई सिर्फ तुम्हें पैसा दिला सकती है। उस पढ़ाई के बल पर तुम पैसा कमा सकते हो, नाम कमा सकते हो, इज्जत कमा सकते हो। उस पढ़ाई के बल पर तुम रिश्ते नहीं चला सकते। रिश्ता चलाने की पढ़ाई तो रियल सीखनी पड़ेगी। रिश्ता चाहे माँ बाप से सीख लो, गुरु से सीख लो, या रियल जिंदगी में अनुभव से सीखते जाओ। जब पत्नी आती है ना, पाइथागोरस प्रमेय काम नहीं करता। करता? और भी जो तुमने पढ़ा है इत्यादि, वो काम नहीं करता। वहां की पढ़ाई अब शुरू होगी कि रिश्ते कैसे चलाने हैं, कैसे निभाने हैं। शादियां सब कर लेते हैं, रिश्ते सब बना लेते हैं, लेकिन रिश्ते निभाने की टेक्निक, रिश्तों को निभाने की कला, विद्या कहीं किसी स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई जाती। वो तो केवल ये दास अनिरुद्ध आपको सत्संग के माध्यम से सिखाता और बताता रहता है। कर लो, काम आएगा, वही है जीवन का सार तत्व। कर लोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे तो फिर माथा फोड़ते रहना अपना अपना। आपकी वो पढ़ाई अलग है जो कॉलेज स्कूलों में आपने पूरी कर ली, अब रियल पढ़ाई ये चालू हो गई आपकी आज से 7 दिन तक। मेरा तो 7 दिन का ही कोर्स रहता, 7 दिन में ही आपको ज्ञानी बनना है। निरंतर भागवत सुनते रहोगे तो लोक से लेके परलोक तक सवर जाएगा। ये कथा है, सब कुछ बनाती है, लोक भी और परलोक भी।